लेकिन वह सत्तू जो लालू जी पीते थे, वो 43 बीघा जो जमीन पटना में है ना, उसका सत्तू पीते थे। नीतीश कुमार बनना तो आपके बस का चीज भी नहीं है, क्योंकि आप टेंटेड हैं, दागी हैं। परिवारवाद का वह स्वरूप है कि लालू जी के हस्ताक्षर से ये लोग नेता बन रहे हैं। 468 करोड़ की संपत्ति लालू यादव का है। राजनीति में अनुकंपा पर जो बहाल होगा यही सब मंतव्य देगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिवार का कौन सदस्य लोकसभा विधानसभा में गया? कांग्रेस पार्टी से आपका गठबंधन है। कांग्रेस ने परिवार नियोजन जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर, लोकसभा के फर्स्ट फेज का मतदान खत्म हो चुका है, उसी बीच में पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बड़े बड़े जो नेता हैं जैसे कि B.R. अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस, उनको भी तो इतने सारे बच्चे हैं। तो ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं JDU मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर। सर क्या कहेंगे, इस तरह का बयान आया जा रहा है कि जहाँ पे बड़े बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे या सुभाष चंद्र की बात कर रहे, उनका नाम ले रहे नेता प्रतिपक्ष? प्रतिपक्ष के नेता अज्ञानी हैं, उनको जानकारी का अभाव है। महापुरुषों का अपमान करना, राजनीति में अनुकंपा पर जो बहाल होगा यही सब मंतव्य देगा। भाई सीधे तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आप चर्चा कर रहे हैं, उनके परिवार का कौन सदस्य लोकसभा गया, कौन राज्यसभा गया? आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिवार का कौन सदस्य लोकसभा विधानसभा में गया, किस पार्टी का अध्यक्ष हुआ? लालू जी से सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है कि लालू जी आप 74 आंदोलन की उपज हैं। कांग्रेस पार्टी से आपका गठबंधन है। कांग्रेस ने परिवार नियोजन जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, इसने एक अभियान चलाया। माननीय नीतीश कुमार जी ने बाल विवाह पर बहुत गंभीर टिप्पणी की और इस संबंध में ह्यूमन चेन बनाया कि हमारी बेटियां नाटे कद की क्यों होती है, तो पता चला कि इसके कारण से होती है। तो ये सवाल सामाजिक मौजूद सवाल है। आप इसको राजनीतिक संदर्भ में देख रहे हैं, तो राजनीति में तो साफ यह दिखता है कि चूंकि पटना जैसे शहर में आपके पिता को 43 बीघा जमीन बनाना था, 43 बीघा 468 करोड़ की संपत्ति लालू यादव का है, तो आपके परिवार के सदस्य की संख्या बढ़ेगी तब ना यह संभव है। आपने परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ा ली और 6 आदमी को आप राजनीति में सक्रिय राजनीति में हैं, 6 वेटिंग लिस्ट में हैं, सिंगापुर से मंगा लिए। अब बताइए, ये सारिका पासवान नहीं थी, उनके पार्टी के अंदर महिला कार्यकर्ता नहीं थी, उसको टिकट देते? इसलिए ये पूरे तौर पर बेतुका बयान है और इनको यह ज्ञान नीतीश कुमार जी के परिवार का कौन सदस्य राजनीति में है। परिवारवाद का वह स्वरूप है कि लालू जी के हस्ताक्षर से ये लोग नेता बन रहे हैं। विपक्ष का ये भी कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा बयान देते हुए हैं, विधानसभा में भी ऐसे कुछ बयान दिए थे महिलाओं को लेकर, और अगर बात करें अभी की तो डायरेक्ट लालू प्रसाद यादव पे इस तरह से निशाना साधा गया है, तो उनका ये कहना कि दिमाग संतुलन बिगड़ चुका है। तो तेजस्वी यादव का भी संतुलन बिगड़ा हुआ है क्या? तेजस्वी यादव का संतुलन बिगड़ा हुआ है? तेजस्वी यादव ये कौन बोला था उनके 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 पुत्र के बारे में? आप ही ने बोले थे, कोई दूसरा तो नहीं बोला था लालू जी? ये लालू जी तो आके नहीं बोले थे? आपका दिमाग का नस ढीला है। इतना शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को किसी के बच्चे गिनने में? मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। राजनीति शर्मसार मत करिए तेजस्वी यादव जी, अभी नौजवान है, अभी आपको बहुत मौका जीवन में मिलेगा। नीतीश कुमार बनना तो आपके बस का चीज भी नहीं है, क्योंकि आप टेंटेड हैं, दागी हैं, तो दागी कहाँ से नीतीश कुमार बन जाएगा? सर इतना बयान दे दिए आप, क्या आपको गर्मी जैसा लग रहा है? गर्मी जी? गर्मी हम झाड़ देते हैं कितना का? गर्मी लग रहा होगा तो सत्तू पी लिया कीजिएगा। अरे सत्तू तो हम लोग का, हम लोग तो मुकामा टाल के रहे वाला सत्तू है, तो हम लोग चना पैदा करते हैं। ये लोग जैसे आए कि अब पाप के संपत्ति पर सत्तू पीते हैं। प्रतिपक्ष फिर कुछ बोले थे, अमित शाह पे बोले हैं आए हैं सत्तू पीजे दिमाग ठंडा रहेगा। नहीं, सत्तू का अनुभव तेजस्वी यादव को है, क्योंकि उनके पिता लालू जी जेल में लगातार सत्तू का सेवन करते रहे। हेमंत सोरेन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन वह सत्तू जो लालू जी पीते थे, वो 43 बीघा जो जमीन पटना में है ना, उसका सत्तू पीते थे। तो अपच कर गया तो बीमार हो गए, अपच हुआ तब ना बीमार पड़ गए। तो सत्तू जब भी पीजिए तो बिहार के किसानों के मेहनत का सत्तू पीजिए।
और आपको तो इसका अनुभव ले लेना चाहिए, क्योंकि ईडी सीबीआई का मामला आप पर भी है, तो हो सकता है कब जाना पड़े। तो जब तक जेल में, जब तक सत्तू रहेगा तब तक जेल में आना जाना बना रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए मौसम जिस तरह से गर्म किए हुए हैं, राजनीति भी में भी भूचाल आया हुआ है कह सकते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर देखते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं देखना रहेगा कि आखिरकार इस राजनीति में क्या कुछ होता है। लोकसभा चुनाव है और इसमें पक्ष विपक्ष दोनों हमलावर हैं, तो आगे लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है और क्या कुछ खिचड़ी पकेगी बिहार की राजनीति में, देखना लाजमी रहेगा। बने रहे देशवा न्यूज के साथ, मैं काजल सर्विस। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।